जरूरत पड़ने पर मोर्चा निकालना पड़े, बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयारी हमारी है, अगर इन्होंने ये सब तरीके की कार्रवाई नहीं रोकी। नहीं उनके पास आया तो भी डिपार्टमेंट गया कैसे, डिपार्टमेंट में जो पहुंचा नहीं और उसके बाद डायरेक्ट चले गए डिपार्टमेंट वाले। नहीं मालेगांव को व्यवहार बंद करने चले गए, हम वारंवार किसी तकरार तो उसके अमल बजावनी नहीं हो रही, और व्यापार बंद कर दो, किसी ने बोल दिया कि जाके पूरे कारोबार बंद कर दो, तुम निकल गए बहुत पाटल कारोबार बंद कर संयंत्र रखा जा रहा है। मैं भी तकरारदार का अभी नाम और विरोध से नहीं, मैं तो मैं तुम्हारे पड़ोसी मानूंगा इतने सालों, मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरे को बताओ चलो तुम्हारे आई लुल नहीं, मेरे को तकरारदार कौन था मेरे को उसका नाम होना है, चलो तुमने किसके बोलने के ऊपर वहाँ गए, पुलिस स्पष्ट बोल रही हमको कमिश्नर का लेटर है, तुम्हारे पास तकरार है, थोड़ा क्यों नहीं देंगे तुम्हें, नाम बोलो ना तकरारदार का, ये कुरैशी बैठे लेना ठीक है ना, अगर मिश्रे बासी लोगों के खिलाफ तकरार है तो तुम उसके ऊपर कार्रवाई करो। अच्छा ये एक संयंत्र नहीं है, बाकी अदर व्यापार के ऊपर गांव के अंदर तलाश देने का काम ये आयुक्त कार्यालय से हो रहा, मेरा स्पष्ट आरोप है, और जो तकरारदार है तकरारदार भी मैनेज है आयुक्त कार्यालय से, मेरा ये मानना है, मेरा वो आदमी का नाम दो, कौन सा डॉक्टर का वो भी दो मेरे को, गांव में क्या मैसेज गलत जाता, और साहब हम 100 भी दे रहे हैं, 10 रुपए रोज हर गाड़ी वाला दे रहा है, कॉर्पोरेशन दे रहा है, पंडित साहब बाहर के लोग 55,000 वहाँ महेश काट डाल रहे इलीगल तरीके से, तुम वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहे, थोड़ा सा 200-500 रुपए रोज कमाने वाले धंधा कर रहे तो उनपे कार्रवाई कर रहे। मालेगांव शहर ये माइनॉरिटी का शहर है, यहाँ की आबादी 90% यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, और मुसलमान कोई सब्जी खाता है, कोई बीफ खाता है, कोई चिकन खाता है, और कायदे के हिसाब से मालेगांव महानगर पालिका का जो स्लॉटर है उस स्लॉटर में जो कायदेशीर स्लॉटरिंग होती है लोकल बीफ के लिए, लोकल खाने के लिए, जो महानगर पालिका के अधिकृत लाइसेंस धारक है, उस लाइसेंस धारक मालेगांव महानगर पालिका में के स्लॉटर में बीफ का स्लॉटरिंग करते हैं, और वो दुकान लगाते हैं, डेली का बीफ बेचने के लिए दुकान लगाते हैं, जो कमालपुरा भाग में, जो मोमिनपुरा भाग में, कुरैश मोहल्ला भाग में, जो कुरैश बिरादियों का वहाँ पर पॉपुलेशन है, वहाँ पर दुकानदार और लाइसेंसदार रहते हैं, और वहाँ पर आज मालेगांव महानगर पालिका MTH डिपार्टमेंट के अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट ने रेड की, जो लोकल माल बिक रहा था, जो मालेगांव महानगर पालिका के स्लॉटर से स्लॉटरिंग करके लाया गया था, जो कायदेशीर था, उसके ऊपर इन्होंने आज रेड की और उनके ऊपर कार्रवाई की।
आयुक्त तो मालेगांव कॉर्पोरेशन से जब संपर्क किया गया तो बोले एक व्यक्ति की तकरार है। हमारा बोले कौन व्यक्ति है, तकरारदार कौन है, तो बोले वो मैं बोलता हूँ। और उसके बाद जब एमटीएस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछा गया कि कोई कमिश्नर का आदेश है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं ओरल आदेश है, इन्हें तफावत आ रही है बात में। और पुलिस डिपार्टमेंट से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमको कमिश्नर का लेटर है। ठीक है, पुलिस को अगर कमिश्नर का लेटर है तो पुलिस डिपार्टमेंट का ये कर्तव्य है कि वो बंदोबस्त दे, लेकिन महानगर पालिका आयुक्त और डिपार्टमेंट के अंदर जो तफावत आ रही है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं संगन मत यानी मिली जुली लड़ाई लड़ने का कमिश्नर पर मेरा स्पष्ट आरोप है कि कमिश्नर जानबूझकर पूरे इस बिरादरी के लोगों को परेशान करने का काम जो आज किया गया इसके निषेध में आज हम लोग मालेगांव कॉर्पोरेशन के यहाँ पर धरना आंदोलन पूरे इस बिरादरी के साथ में हम लोग ने किया। अगर ये बात आयुक्त तो मालेगांव कॉर्पोरेशन और एमटीएस डिपार्टमेंट ने इस तरीके की कार्रवाई की तो हम आज यहाँ पर सिर को छुरा और कुंडा लेकर हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया। जरूरत पड़ने पर पूरे इस बिरादरी के जितने लोग लोकल का बीट बेचते हैं, शहर की सेवा करते हैं, तो हम उन लोगों को रास्ते के ऊपर जरूरत पड़ने पर मोर्चा निकालना पड़े, बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयारी हमारी है। अगर इन्होंने ये सब तरीके की कार्रवाई नहीं रोकी तो इसके लिए आज के ये धरना आंदोलन चल रहा है। हमारे यही विनती है कि मालेगांव शहर एक भाईचारा का शहर है, हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है, यहाँ पर हम मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ पर इस तरीके की अगर बात होगी, इस तरीके की कार्रवाई कमिश्नर करेगा डिपार्टमेंट करेगा तो हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ का अगर लैंड ऑर्डर खराब होगा तो इसके जिम्मेदार दीपक कासार आयुक्त तो मालेगांव महानगर पालिका एमटीएस डिपार्टमेंट रहेगा, इसकी नोंद मालेगांव महानगर पालिका ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने लेना चाहिए। मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है, ये बाहर भी तो प्रीमाइसेस है ना कॉर्पोरेशन का, इसके तो चेयर पे जाके बैठेंगे, ये तो ठीक नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है, प्रॉब्लम है आपका रिक्वेस्ट है, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। आप अंदर है अधिकारी, आप उनसे बात करेंगे, ठीक है? आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर विचार करेंगे हम। आपने बोले ना कि भाई बाहर भी कर सकते अंदर निवेदन दे, तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे, आगे आगे विचार करेंगे। जब आगे आंदोलन कोई रहेगा तो आपसे सलाह करके करेंगे, ओके? हम तो मैं आंदोलन करते रहे, कोई निवेदन नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं, कोई नो नो प्रोसीजर। वो कमीशन है, बात चल रहा है, हमारा शिष्टमंडल अंदर बात कर हमारे पास कोई संदेश आता है इसलिए हम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए, आपका वेलकम। आप हमारी विषय जो हमारा है छुड़ाने के लिए आए, आपका बहुत हम आभार व्यक्त करते, लेकिन हम आए सर क्या बोलेंगे, तुम्हारी समस्या है। सुनिए ना, बात सुनिए, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन ऐसा है कि कोई प्रोसेस है, कोई कायदा है, सबके लिए है, जब महापालिका के लिए है वहाँ पब्लिक के लिए भी है। इनको अगर कहीं पर कार्रवाई करना था तो इन्होंने नोटिस देना था, पहले ओरल नोटिस देना था, लेकिन सोप की नोटिस देना था, है ना? और ये जितने लोग बैठे हैं ये महानगर पालिका के अधिकृत, आप मेरा शब्द सुन लो, अधिकृत लाइसेंस धारक जो महानगर पालिका के स्लाटर के अंदर स्लाटरिंग करते परवानगी से महापालिका को महसूल शुल्क भरते और उसके बाद गांव वालों की सेवा करते। आपका तो सही होगा, लेकिन मेरा एक लास्ट एक ही सेंटेंस रहेगा, वो ऐसा है, ये तुम्हारे कार्य जो चल रहा है, धंधा बिजनेस जो चल रहा है, उनकी कार्यवाही जो कानून हुई होंगी उसमें अगर व्यक्ति आया होगा तो आप निश्चित कर रहे होंगे उसको, तो लिमिटेशन रखो। नेक्स्ट आंदोलन होगा तो आपसे जरूर उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो ये आपका अगर निश्चित व्यक्त करना है आपको तो कंटिन्यूटी
देखो साहब, ये विषय ऐसा गंभीर है कि हम इसको बाहर लेकर बैठते तो दूसरा पब्लिक बाहर पे जमा हो जाता है। अभी हम सिर्फ पूरे बिरादरी वाले ही अंदर आए तो बंद कमरे में आंदोलन हो जा रही है, मेरे लिए मुझे लगता है शहर के लिए बेहतर है। जरा आप अंदर जाएंगे तो आपको सब विषय। चलो ठीक है, मेरा कहना ऐसा है यहाँ के कि प्रशासन को ज़्यादा तकलीफ ना हो, आपकी मांग भी मांगी। पहले आपकी हद्दी में मालेगांव महानगर पालिका के इसी कैंपस में, इसी बिल्डिंग में दूसरे राजकीय पक्ष के लोगों ने मारहान की, धक्का बुक्की की, तोड़फोड़ की, उसके बाद भी एक भी अदना व्यक्ति भी अरेस्ट नहीं हुआ, ये भी हमको जानकारी। पूरे जमात को छोड़ो, विषय ऐसा है कि हम, मैंने अंदर जो आपको बोला ये आश्वासन आपसे चाहते हैं कि ये जो भी जो मालेगांव में जो भी बिकता है लोकल के लिए खाने के लिए है ना, तो वो मालेगांव महानगर पालिका के सलाटर में स्लॉटरिंग होता है, जो लाइसेंस धारक है महापालिका का, जो मालकी का स्लॉटर उसमें होता है, और वो 48 दुकानदारों को अपना मुशारत चौक के अंदर जो जूना स्लॉटर था वहाँ पर 47 दुकान अलॉट की गई थी। आज वो डिमोलिश हो गया, आज वहाँ पर जगह नहीं है, आज ये लोग जगह वंचित हो गए हैं। तो ये अपने घरों के पास में भी बेचते हैं लोग, लोकल के लिए स्लॉटरिंग होता कायदेशीर। तो मेरी विनती ये है कि अगर तकरार मेरे विरुद्ध में आती है XYZ, मैं है या किसी XYZ की तकरार आती है तो उसके ऊपर जाओ, उस पर तुम बोलो कि भाई ऐसे तेरे खिलाफ तकरार है, तेरे ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। हमारा कोई उसके अंदर दो मत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति तकरार देता और वो व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी बराबर नहीं है, है ना, और अपन लोग पूरी फौज फाड़ा लेकर चले जाना। मैं समझता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट के इसमें आज दोष नहीं है, उसका कारण है कि महापालिका से पत्र गया तो उन्होंने बात वापस देना उनके करते हुए। तो मेरी विनती है कि आप ही आश्वासन दो कि इसके बाद से अगर एक व्यक्ति के खिलाफ आएंगे तो हम एक ही व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेंगे, और 48 लाइसेंस धारकों का भी पर्याय व्यवस्था प्रभात करमान 3 के पीछे तुम कर दो, जगह तुम्हारे पास है, हम उसके लिए एग्री। तो ये जो तुम्हारा हमेशा का जो इशू हुआ था वो खत्म हो जाएगा, ये आश्वासन आप दे दो। जो 48 लाइसेंस धारक अगर वो बिजनेस करते हैं तो लाइसेंस धारक के लिए अभी हमने कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो अनधिकृत रहेंगे उन पर ही कार्रवाई होती है, जिसके बारे में हमें तकरार आएगी तो जो अगर तकलीफ होती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हमारा विशेष यही है कि जो अधिकृत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। आज की कार्रवाई हमारी प्रतीकात्मक थी, उसमें हमने कुछ भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। हम लोग आपके साथ में साथी में हैं और अपना जो रहन सहन और खाने पीने का जो अपना एक ये एरिया का है अपना मालेगांव का, उसे बरकरार रखने के हिसाब से हम कैसे अच्छा और कर सकते हैं। जैसे कि आज 23 लोगों को उनकी जगह मिल जाए, तो अभी हमने डिमोलिश करके दिया है, तो जैसे साहब ने बोला है जरा 3 के पीछे अगर हम कर सकते हैं उनकी व्यवस्था, उसका भी हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो फिर फिलहाल आप जो आंदोलन किया है मैं सकारात्मक रूप से आपको बोलता हूँ। अभी 48 लाइसेंस दार ये 48 लोग हैं, मगर आज कुरैश बिरादरी में 10,000 लोग धंधा करने आए, तो उनको सेलिंग लाइसेंस जब तक आप नहीं देते तो जब तक किसी पे कार्रवाई मत करो। अगर कोई रास्ते में ट्रैफिक करता, अतिक्रमण करता, गंदगी करता, उसके खिलाफ अगर कोई तकरार आती तो एक आदमी के खिलाफ आप कार्रवाई करो, और जब तक 48 लाइसेंस के अलावा आप सेलिंग लाइसेंस नहीं देते जब तक किसी पे कार्रवाई मत करो। नहीं तो 48 लोग दुकानदारी करेंगे, अपना पेट भरेंगे, तो बाकी के लोगों ने कहा जाना बराबर है, लेकिन जो बाकी के जो लाइसेंस का इशू है ना वो पॉलिसी मैटर है, उसके ऊपर क्या विचार करेंगे, हम एक मीटिंग लगा के विचार करेंगे और सब पदाधिकारी। आज मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि आपकी बात में एक अमेंडमेंट ये है कि अगर एक व्यक्ति कंप्लेंट तकरार देता है मेरे विरोध को तो तुम मेरे पे ही एक्शन लो, पूरे सब पे मत लो, ये मेरी विनती है बस। इसके बारे में तो ये अगर किसने जनरल तकरार किया ना तो उसको बोलो स्पेसिफिक तेरी तकरार क्या, ये बता। और तकरार से पहले हमारा ये कहना है कि आप हमको नोटिस दो कि तुम्हारे खिलाफ तकरार है, सत्य क्या है, ये कायदे की जब तुम कर रहे कायदे काम तो
तो एक नोटिस आते मान 50 नोट की तकरार रखी हुई कोई कार्रवाई नहीं होती पानी के ताल्लुक से। ये बात ध्यान दो सर, अभी जो नुकसान हुआ सामान निकल ढाई से 3 लाख रुपए का नुकसान उसके बारे में क्या कार्रवाई में साहब जिसके पास सैलिंग लाइसेंस था उसका भी माल जब्त किया नहीं वही साहब हम वापस कर कोई माल के ऊपर साहब पर ऑर्डर डाल दिया गया वो माल एकदम डिमिसेज करने के बाद उसको जब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ बिरादरी का एक व्यक्ति के कंप्लेन पर 1.5-2 लाख रुपए का पूरी कुरेश बिरादरी परेशान हो गई। आपने इतना इम्पोर्टेंस दिया एक व्यक्ति के ऊपर आपने बिरादरी ध्यान नहीं दिया और वही बात आपसे हम आज यहाँ पे जो एहतजाज किया गया किस लिए किया गया कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने आयुक्त साहब के कहने पर कुरेश बिरादरी के जो लोग बीफ बेच रहे थे गोश्त बेच रहे थे कायदेशीर जो कि स्लॉटरिंग का था तो वहाँ आकर रेड मारी उस पर जो पाउडर डाला और उनका माल जब्त कर लिया। तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का कुरेश बिरादरी का माल आज कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने जब्त किया। ये गरीब लोग थे रोज़ कुआँ खोदते रोज़ पानी पीते धंधा व्यापार करते अपना घर चलाते हैं बाल बच्चों का पेट भरते आज उनका नुकसान हुआ जो कि कायदे से धंधा व्यापार कर रहे थे रोज़ाना मालेगांव शहर के लोगों की खिदमत कर रहे थे उनको खाने का इंतज़ाम ये लोग करते हैं कि भाई बीफ जो है सस्ता होता है और एक गरीब आदमी भी अपने अंगी सवार लेता है। आज कॉरपोरेशन ने ये कार्रवाई की गरीबों को नुकसान हुआ। अगर कॉरपोरेशन ये कार्रवाई बंद नहीं करेगी तो हम आगे का रास्ता अपनाएंगे एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों से आयुक्त साहब से हमारे यही कहना है कि भाई वो नाइंसाफ़ी ना करें कुरेश बिरादरी के साथ इंसाफ करें और गरीब लोग को परेशान करना बंद करें। अगर उनको रेट है तो आगे पहले बोल देते हैं तकलीफ़ है किसी का कंप्लेन है ये सब कुछ बताने को तैयार नहीं डायरेक्ट आकर उन्होंने रेट कर दिया और लोगों के माल पर पाउडर डालकर उसको जब्त कर लिया। ये नुकसान की भरपाई हम कॉरपोरेशन से चाहते हैं कि कॉरपोरेशन उन गरीब लोगों की भरपाई करे और कुरेश बिरादरी को आराम से कायदे के मुताबिक धंधा करने की इजाज़त दे।